हाँ तो गाइस फाइनली हम लोगों ने पकड़ लिया है मैडम को, तो तुम लोग खुद ही देख लेना। लेकिन देखने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, मैडम को पकड़ने में अपन की गांड फट गई बहनचोद। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे दीदी पहले रोस्ट तो कर लेने दो, उसके बाद जाना कर। मुझे अपने घर जाना है। हाँ तो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टार्ट सुजीत चैनल। हाँ तो आज हम करने वाले हैं G4 जीनियस आलिया दीदी को रोस्ट। हाँ तो चलो शुरू करते हैं अपनी बकचोदी बिना किसी चूतड़ के। होली, आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील, मुझे खुजली होती है। अच्छा, आलिया दीदी को कलर से खुजली होती है। रुको जरा, सबर करो। दीदी को गुस्सा भी आता है। वैसे दीदी के मुताबिक इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम पृथ्वीराज चौहान है। नहीं विश्वास, तुम लोग खुद ही देख लो। तो हमारे देश में ऐसे जीनियस गांड की कमी बिल्कुल नहीं है। इनके हिसाब से शतरंज कैरम है और कैरम शतरंज है बहनचो। नहीं विश्वास, खुद ही देख लो। मुझे अपने घर जाना है। अरे दीदी थोड़ा सा इंतजार करो, पब्लिक को मजा मांगता है अभी। सब ले लो, उसका वो ऐसे हिला रहे हैं वहां से, दे दो। सॉरी वो पेपर हिला रहा है, दे दो। देखो रे इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। नन नन दीदी का मतलब था लंड, सॉरी सॉरी पेपर से। इसमें दुनिया की गलती है बहनचोद, क्योंकि दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। हमार सुन बाना तो गणिया फाट जाए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। देखो मैडम फटना आपकी चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को आपने अपना बॉयफ्रेंड बनाया है ना, वो कितनों की फाड़ चुका है, मेरा मतलब है काट चुका है, और बस अगला नंबर आपका है। ऐसे ही नहीं, उसको बॉलीवुड का जॉनी सिंस बुलाया जाता है। पूरी दुनिया मुझ पे ऐसे चढ़ गई जैसे अतरिया पे लूटन कबूतर। लोग आलिया भट्ट हॉट पिक्स की जगह आलिया भट्ट जोक्स गूगल करने लगे। एक सेकेंड, क्या बोला? लोग आलिया भट्ट हॉट पिक्स की जगह आलिया भट्ट जोक्स गूगल करने लगे। हॉट, देखो दीदी आपको पैदा होने में अभी 300-400 साल बाकी हैं। दीदी पैदा होने से पहले ही अपने आप को हॉट बोल रही हैं। साला बंदूक कहाँ है मेरा भाई? भाई, 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 भाई। और तो और अगर तुम लोग सुनोगे इसके टैलेंट के बारे में तो तुम लोग का गड़िया फाट जाए। लग रहा होगा कि मैं अभी रैप करने वाली हूँ, नहीं सैडली मुझमें इतना टैलेंट नहीं है। मुझमें एक टैलेंट है कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है, कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है। तो सुनकर तुम लोगों का गड़िया फट गई ना। ये टैलेंट इनको विरासत मिला है, वो भी इनको अपनी मम्मी से, ओ सॉरी सॉरी रिया चक्रवर्ती से। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मुझे एक शायरी याद आ गई है, सुनो तो जरा गौर फरमाइएगा। अर्ज क्या है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। विनोद भोसड़ी के कौन सा स्क्रिप्ट दे दिया मेरे को? साला बंदूक कहाँ है मेरा भाई? अर्ज क्या है? दीदी के बाप के गांड के तीन प्रकार। दीदी के बाप के गांड के तीन प्रकार। पहले में जुल्फिकार, पहले में जुल्फिकार, दूसरे में गांडी बेकार, और तीसरे में लौड़ा का सरकार। Who is the president of India? Dr. Pranab Mukherjee. Next question. What is the capital of China? Beijing. Beijing. Right, correct. Moving on. Capital of Argentina? Buenos Aires. That is correct. When was the Battle of Plassey fought? 23rd June 1757. बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। क्या स्क्रिप्ट लिखी है बहनचोद? और सवाल पूछ भी कौन रहा है, इसने खुद ही इसको बर्बाद किया। करण जौहर लौड़ा लसन। ये बंदा इतना चुलबुला है, सॉरी सॉरी चुलबुला लंड है, कि दीदी इनको अपना दूसरा बाप मानती है। नहीं विश्वास, जाके खुद ही देख लो। ऐसा लगा मेरा मजाक। उसके पहले कभी नहीं किया था कि मैं पापा को मैसेज करके बोलूं कि मेरे अंदर क्या है। यूजुअली मैं काफी सीक्रेटिव हूं, अंदर ही रखती हूं सारी बातें को। ओके दीदी बहुत शर्मिली टाइप की हैं। मैं कुछ हाइड नहीं करती, सबके साथ शेयर करती हूं, क्योंकि अदर देन दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। मैं खुली किताब हूं। तो आलिया मैडम आप ना पूरा होमवर्क करके आया करो कि क्या बोलना है और क्या नहीं, क्योंकि ये सब करके आप खुद के ही लौड़े लगवाती हैं और पब्लिक तो मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। नाना पाटेकर का वो लेजेंडरी डांस याद है जिसको हम लोग देख के खुश हो जाते थे, ये वाला।
ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। पर दीदी को हमारी खुशी लंड देखी नहीं जाती, तो नाना पाटेकर का वो डांस देखने के बाद आलिया भट्ट बी लाइक। तो देखो, सवाल ये नहीं बनता कि ये कर क्यों रही है, सवाल ये बनता है कि ये इतना अच्छा कर कैसे रही है। रिपोर्टर ने सिर्फ इतना पूछा था कि आपकी बैचलर पार्टी किस तरह की होगी, और दीदी ने किया क्या, ये देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। इनकी बुद्धि को तो लौड़े लग चुके हैं बहन, जो सर्वनाश एकदम। मुझे अपने घर जाना है। दीदी सिर्फ 2 मिनट, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। ज्यादा चूर चपर करना भी मत, नहीं तो This is great. मैं मौन व्रत ले रही हूँ। आलिया मौन व्रत? क्या मैंने बोला? मौन व्रत? नहीं, मैंने मौन व्रत। ओ भाई मौन व्रत। ये सब सुनके मेरे दिमाग के लौड़े लगने स्टार्ट हो गया बैंचो। राहुल गांधी, आलिया भट्ट, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है बैंचो। दोनों के दोनों विशुद्ध चूती, और इन दोनों को टक्कर देना मुमकिन ही नहीं, ना मुश्किल है। मुझे तो लगता है ये दोनों पिछले जन्म के भाई बहन है, और भगवान ने इस जन्म में गलती से मिस्टेक कर दिया। Who do you think would be the better boyfriend, Varun, Arjun, or Siddharth? I think Varun is more like my best friend, and I like to have that as my partner. So Varun be a better boyfriend. But since Siddharth is the more loyal one, he'll be a better husband. The loyal one will never cheat. And what do you have to say about Arjun? For me to cheat? Arjun will have some fun. We'll have some fun. अरे मेरे दीदी, कुछ सोचो तो बोलने से पहले, पहले सोच लिया करो क्या बोल रही हैं आप। मतलब दीदी को तीनों बंदे चाहिए, और तीनों बंदे से मजा भी चाहिए। अरे दीदी कुछ सोचो तो अपने बारे में और फैंस के बारे में। क्यों अपने फैंस के लौड़े लगाने पे तुली हुई हैं आप? तो देखो, दीदी बॉयफ्रेंड बनाएंगी वरुण को, शादी करेंगी सिद्धार्थ भाई से, और मजे लेंगी अर्जुन भाई से। करण का क्या होगा भाई साहब? दीदी ने तो करण के लौड़े लगा दिए। मुझे तो लग रहा है पार्ले जी वाले कुछ दिन बाद आलिया की फोटो लगा के पार्ले जी बेचेंगे। जी फॉर जीनियस, नहीं जीनियस आलिया। के साथ आप काम कर रही हैं, उनके बारे में क्या क्या अच्छा लगता है? जो सबको अच्छा लगता है, वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, और फिल्म करने के बाद मैं उन्हें जानने भी लगी हूँ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगी। अच्छा चलिए ठीक है, इंग्लिश में बोल लीजिए। He's a very अरे मैडम जल्दी बोलिए, मजदूरी भी करनी है। टैलेंटेड एक्टर और बहुत ही अच्छे कलाकार है, बट व्हाट आई रियलाइज। वाह, इंग्लिश में वही बोला जो हिंदी में बोला, और इसकी बहन का सपोला इन्हें क्या उखाड़ लिया इंग्लिश में बोल के। सर्वनाश है बहनचोद बुद्धि का इनका। दीदी को अपनी मूवी से कुछ सीखना चाहिए। दीदी जैसे अपनी मूवी में एक्टिंग करती हैं, वैसे ही अपने रियल लाइफ में भी एक्टिंग करना चाहिए, ताकि लोग इनके लौड़े ना लगा सके। हाँ तो गाइस, आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर किसी ने भी कमेंट में गाली गलौज किया तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एम रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स का, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। विनोद चल छोड़ आज रहने दे, अगली वीडियो में गांड मारूंगा तेरी।